हेलो ऑल, वेलकम बैक टू रिविजन ट्रेडर्स। सो आज के वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले बैंक निफ्टी मंडे को यानी कि 28 अगस्त 2023 को कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर सकता है। उसके पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट ने आज कैसे मूव किया है। देख सकते हैं मार्केट गैप डाउन खुला जो हमारे सेम लेवल पे, जैसे मैंने आपको बोला था कि पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन चल रहा है। तो गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट नीचे यहाँ पे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर आप जाके देखें तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न अच्छा खासा बना। यहाँ पे फेकआउट देने का ट्राई किया लेकिन फेकआउट पॉसिबल नहीं हुआ। फिर से मार्केट यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे कंसोलिडेट करके मार्केट आज यहाँ पे 44,167 पे क्लोज हुआ है। तो नो डाउट मैंने कल के वीडियो में आपको बता दिया था कि मार्केट ये रेंज में क्लोज हो सकता है क्योंकि ये एक अच्छा खासा मार्केट के लिए डिमांड जोन होने वाला है। तो नो डाउट आज मार्केट वहाँ पे ही क्लोज किया और मार्केट देख सकते हैं आज स्टार्टिंग के 2 घंटे में मार्केट अच्छा खासा ट्रेंडिंग था। उसके बाद मार्केट ने देख सकते हैं अच्छा खासा मार्केट यहाँ पे साइडवेज है। लास्ट के वन आवर में थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंटम आया है लेकिन हम लोग वो इग्नोर कर सकते हैं। तो नो डाउट जैसे कि मैंने आपके बताया था मार्केट ओपन बाय द एमएचएस एंड क्लोज बाय द प्रोफेशन। तो प्रोफेशन ने यहाँ पे मार्केट अच्छे खासे लेवल्स पे यहाँ पे क्लोज दिया है मार्केट ने। तो हम लोग देख सकते हैं मार्केट में अगर अगला मूव, अगर मार्केट कल देख सकते हैं मंडे के दिन अगर इसी लेवल पे अगर ओपन होता है 44,150 से लेके 44,220 के, अगर ये 70 से 80 पॉइंट्स के रेंज में अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, हम ये एरिया को फ्लैट एरिया मानेंगे, अगर ये एरिया में ओपन होता है तो नो डाउट यहाँ से इमीडिएटली एक थोड़ा सा छोटा सा सेल अप आ सकता है जो हमारा नीचे का टारगेट कंप्लीट कर सकता है जो कि हमारा नीचे का मेजर सपोर्ट 44,000। फिर अगर यहाँ पे कुछ अगर प्राइस एक्शन बनता है तो फिर हम लोग ऊपर की साइड पे ट्रेड लेंगे, अदरवाइज सेल के साइड ही सोचेंगे क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे आया है। तो यहाँ पे सेल के साइड पे सोचने का एक ही रीज़न बनता है क्योंकि ये मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट हो चुका है, यहाँ पे भी टेस्ट हो चुका है। नो डाउट पीछे भी बहुत बार मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है तो अभी ये वीक बन चुका है। तो यहाँ से अच्छा खासा नीचे के साइड पे सेल ऑफ आ सकता है कि जो भी हमारा नीचे का टारगेट कंप्लीट कर सकता है 43,650। ठीक है, अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन होता है समर अराउंड 44,000 के लेवल पे तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में वेट करेंगे कि मार्केट में पहले 15-20 मिनट जाने देंगे कि मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है, उसके हिसाब से लाइव डाटा के हिसाब से ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और नो डाउट गैप डाउन ओपन होता है और पहला अच्छा खासा बेरिश कैंडल बनाता है और दूसरा कैंडल अगर लो ट्रेड उसके लो ब्रेक करने का ट्राई करता है तो हम लोग छोटा सा एसएल प्लान करेंगे। 20 से 30 रुपीज़ का हम लोग एसएल प्लान करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा 1:2 हमारे यहाँ पे टारगेट रहेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग मान लेते अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खोलता है समर अराउंड 44,000 के भी नीचे, समर अराउंड 43,800 के आसपास, तो ये बहुत बड़ा मार्केट के लिए सरप्राइजिंग मूव हो सकता है। तो हो सकता है कि नहीं मार्केट यहाँ पे कुछ अनप्रिडिक्टेडली रिएक्ट करे तो हो सकता है यहाँ से अच्छी खासी बाइंग भी हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ से सेलिंग होना बनता है, नीचे की साइड आ सकता है फिर मार्केट ऊपर की साइड पे मूव करेगा। ठीक है, अगर मार्केट मान लीजिए कि गैप अप ओपन होता है 44,400 के आसपास, अगर मार्केट यहाँ पे समय अराउंड दिस लेवल पे अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हम लोगों को क्या करना होगा। तो देख सकते कि मार्केट में एंड का जो ट्रेंड था जो बेरिश था, लेकिन मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ तो इसका मतलब है कि बायर्स इंटरेस्टेड है। तो हो सकता है कि नहीं यहाँ से अगर ओआई डाटा अगर ओआई डाटा देख के हम पहले 5 मिनट्स का वेट करेंगे फिर उसके बाद ओआई डाटा चेक करेंगे। अगर ओआई डाटा अगर ऊपर की साइड बाइंग की साइड पे हम लोगों को अगर इंडिकेट कर रहा है तो हम लोग बाइंग की साइड पे ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम लोग वेट करेंगे क्योंकि अगर यहाँ पे ओपन हो सा अगर 44,000 के लेवल पे ओपन होगा तो फिर एक राउंड लेवल भी है और मार्केट के लिए रेजिस्टेंस भी है। तो हो सकता है कि नहीं मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर एम पैटर्न बना के या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के मार्केट यहाँ से रिवर्स होने का ट्राई करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मार्केट बहुत बड़ा 44,400 के ऊपर समय अराउंड दिस लेवल के 44,500 के आसपास यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, नो डाउट यहाँ से एक अच्छा सा इमीडिएटली बाइंग आ सकता है जो कि हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस है 44,600, यहाँ पे टेस्ट करेगा, फिर से यहाँ पे सेल ऑफ आएगा और मार्केट नीचे के साइड पे टेस्ट करेगा। जैसे कि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि लास्ट के 3-4 दिन से मार्केट ने प्रीवियस डे का लो नहीं तोड़ा है, लेकिन आज मार्केट ने अच्छा खासा प्रीवियस डे का लो तोड़ा है। तो इसी के हिसाब से अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में लेके चलूँ तो नो डाउट डेली टाइम फ्रेम में अच्छा खासा जो हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न चल रहा था उसका हेड एंड शोल्डर पैटर्न ने मार्केट ने रिटेस्ट भी किया है और मार्केट अच्छा खासा नीचे की साइड में भी आ चुका है। तो देख सकते हैं अच्छा खासा यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका था,
मार्केट ने यहाँ से ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन देने के बाद मार्केट ने यहाँ से रिटेस्ट किया, रिटेस्ट मार्केट ने देख सकते हैं, मार्केट ने रिटेस्ट कहाँ तक किया है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये नेकलाइन है, नेकलाइन होने के बाद देख सकते ये एक शोल्डर है, मार्केट का शोल्डर का स्विंग कहा है, एक शोल्डर का स्विंग कहा है, तो मार्केट ने देख सकते हैं 9.45,000 के आसपास मार्केट ने हाई लगाया, फिर यहाँ से मार्केट अभी नीचे आए, तो नो डाउट देख सकते हैं गैप डाउन मार्केट हुआ है, मगर गैप डाउन होकर मार्केट ने मोमेंटम दिया है, लेकिन मार्केट का नीचे का लो देखिए, आज का लो, ठीक है, आज का लो देखिए, मार्केट ने देख सकते हैं कि दो दिन से कंटिन्यूअसली 2 दिन से मार्केट ने 1000 पॉइंट्स का रैली दिया, लेकिन आज एक ही दिन में मार्केट गैप डाउन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद डायरेक्टली फटाक से 44,000 का लेवल टच कर दिया। तो दैट्स मीन्स कि 2 दिन का जो भी बाइंग का मोमेंटम था वो अभी खत्म हो चुका है, यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो चुके हैं, नो डाउट यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो चुके हैं, तो हम लोग ओनली थिंक फॉर दिस सेल, हम सेल करने का ही सोचेंगे बस, ठीक है, हम यहाँ पे बस सेल करने का ही सोचने वाले, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे नीचे के टारगेट भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए ये हमारा ये स्विंग का लो हमारा नीचे का टारगेट हो सकता है, यहाँ से अगर ये क्रॉस करता है तो यहाँ तक आएगा, अगर ये क्रॉस करता है तो नो डाउट मार्केट हमको ये लेवल पे, फिर उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा लेवल है, यहाँ पे मार्केट देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। चलिए अभी 15 मिनट्स पे चलते हैं, 15 मिनट्स के और एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है मार्केट के लिए, मार्केट शायद हो सकता है कि नहीं, मैं जैसे कि मैंने आपको बता दिखाया कि देख सकते हैं मार्केट 45,000 के आसपास गया, 1000 पॉइंट्स का रैली दिया, फिर उसके बाद में मार्केट ने कल के ही दिन मार्केट नो डाउट एक्सपायरी के दिन था, तो फिर अच्छा खासा मार्केट यहाँ पे नीचे आया था, 500 पॉइंट्स का रैली दिया था, फिर उसके बाद से मार्केट ने आज देख सकते हैं कि मार्केट ने फिर से 44,000 का लेवल टेस्ट किया, तो देख सकते हैं कि मार्केट पिछले 3 दिन में 2000 पॉइंट्स का मोमेंटम मार्केट ने दिया है, तो नो डाउट हो सकता है कि नहीं मार्केट अभी साइडवेज चला जाए, ये जो 400 पॉइंट का रेंज है 44,400 से लेके 44,000 तक मार्केट हो सकता है कि नहीं, इसी रेंज में साइडवेज हो सकता है, अगर फिर उसके बाद अगर साइडवेज होने के बाद अगर मार्केट थोड़ा सा स्क्वीज हो जाता है तो नो डाउट आने वाले टाइम में हमको एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे देखने के लिए नीचे की साइड, ठीक है, मोमेंटम रहेगा कहाँ पे, नीचे की साइड, बाइंग का मोमेंटम अभी नहीं है मार्केट में, नीचे के लेवल्स में फिर से आपको बता देता हूँ, मार्केट अगर नीचे 44,000 का सपोर्ट ब्रेक करता है तो नीचे हम लोग मार्केट के लिए सपोर्ट है 43,650, अगर मार्केट वो भी ब्रेक करता तो नो डाउट नीचे का सपोर्ट है 43,450, यहाँ तक मार्केट आ सकता है, तो कल का वीक मार्केट के लिए बहुत क्रुशियल आने वाला वीक क्रुशियल होने वाला, क्योंकि मार्केट में मंथली एक्सपायरी भी होने वाली है और अच्छा खासा मार्केट बेरिश भी है, तो नो डाउट अच्छा खासा कल आने वाला वीक सेलर्स के लिए प्रॉफिटेबल रह सकता है, अभी जितने भी सारे पुट बाय करते हैं तो उनके लिए अच्छा खासा ट्रेड्स यहाँ पे उनको मिलने वाले हैं, ऑप्शन बायर्स के लिए अच्छा खासा यहाँ पे आने वाले वीक में पैसा मिलने वाला है, लेकिन उनको ही मिलने वाला है जो पुट पे अपना कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, जो पुट बायर्स है मतलब जिनको सेलिंग अच्छे खासे से जमता है, ठीक है, नो डाउट हमको आने वाले वीक में एक अच्छा खासा मार्केट मिलेगा, हम लोग अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हैं, तो मैं आने वाले वीक में ट्राई करूँगा कि लाइव ट्रेडिंग भी आपके साथ कर सकूँ, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।